Hey, hi, what's up guys, this is Anirudh Patil and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम one of the most strongest ऐसे सी फूड पे जाने वाले हैं. महाराष्ट्र के सी फूड्स की बात की तो सबसे पहले माइंड में आता है वो है मुरुड जंजीरा फोर्ट. सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे मुरुड जंजीरा फोर्ट पे जाते कैसे है, फोर्ट की हिस्ट्री जानेंगे गाइज, एंड उसके साथ साथ वी विल एंजॉय सम अमेजिंग सिनेमैटिक शॉट्स एंड सम अमेजिंग ड्रोन शॉट्स. मुंबई से मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने के लिए मेजर दो रूट्स है. गेट ऑफ इंडिया से आप फेरी लेके अलीबाग जा सकते हो, अलीबाग से आपको रोहा जाना पड़ेगा और रोहा से आपको मुरुड जाना पड़ेगा. जो सेकेंड रूट है वो आप डायरेक्टली रोहा जा सकते हो ट्रेन से और उधर से आप मुरुड जा सकते हो. मुरुड से शेयरिंग जीप या फिर टमटम लेके आप राजापुरी विलेज जा सकते हो. राजापुरी विलेज ये नियरेस्ट पॉइंट है फेरीज के लिए टू रीच मुरुड जंजीरा फोर्ट. राजापुरी विलेज से आपको फेरी लेनी होगी जो आपको जंजीरा फोर्ट तक पहुंचा देगी और रिटर्न लेके आएगी. फेरीज का कॉस्ट है 80 रुपीज पर पर्सन. फेरी वाले हमें बस 45 मिनट्स का टाइम देते हैं. 45 मिनट्स में पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप क्लोज आओगे फोर्ट के, यू विल रियलाइज हाउ ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग द फोर्ट इज. जब आप मेन एंट्रेंस से एंटर करोगे आपको एक बड़ा सा वुडन डोर दिखेगा. डोर से अंदर जाओगे तो आपको और एक 20 रुपीज का टिकट लेना पड़ेगा जो यहाँ के लिए एंट्रेंस फी है. सिक्सटीन सेंचुरी में राजा राम राव पाटिल जो एक कोली पाटिल था उन्होंने ये फोर्ट एस्टेब्लिश किया था. ये करते समय उन्होंने सुल्तान ऑफ अहमदनगर की परमिशन ली थी. बाद में धीरे धीरे सुल्तान ऑफ अहमदनगर की आदाओं का पालन न करने के कारण सुल्तान ने एडमिरल पमित खान को अपॉइंट किया जंजीरा फोर्ट कैप्चर करने के लिए. फोर्ट का 40 फुट ऊंचा फोर्ट्रेस देखकर पमित खान समझ गया कि ये फोर्ट को कैप्चर करना आसान नहीं है. फिर पमित खान ने खुद को एक व्यापारी बताकर जंजीरा फोर्ट पर एक रात रुकने की अनुमति प्राप्त की. राम पाटिल को धन्यवाद देने के लिए पमित खान ने एक पार्टी रखी और जब राम पाटिल और बाकी कोली शराब के नशे में थे तभी पमित खान ने हमला करके एक एक कोली को जान से मार डाला और फोर्ट कैप्चर कर लिया. बाद में 1621 में जंजीरा फोर्ट सिद्धियों के हाथों में गया. तब से लेकर भारत स्वतंत्र होने तक ये फोर्ट कोई भी कैप्चर कर नहीं पाया. छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज, पेशवे बाजीराव, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, ये सब लोगों ने ये फोर्ट कैप्चर करने की काफी कोशिश की परंतु कोई भी फोर्ट कैप्चर नहीं कर पाया. संभाजी महाराज ने तो मुरुड जंजीरा फोर्ट के बाजू में 5-6 किलोमीटर अंदर समुन्दर में और एक फोर्ट बनाया था पद्मदुर्ग नाम का, ये फोर्ट कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे. जंजीरा फोर्ट के ऊपर आपको दो फ्रेश वाटर लेक मिलेंगे. उसमें से जो बड़ा लेक है वो शाही तालाब नाम से जाना जाता है. वो 50 से 60 फुट गहरा है. जंजीरा किले के आजू बाजू समुन्द्र का खारा पानी है लेकिन इस तालाब के अंदर पीने लायक फ्रेश वाटर है. सिद्धीस के जमाने में जंजीरा फोर्ट पे टोटल 572 तोहफे थी और आज भी फोर्ट पे काफी सारे तोहफे मौजूद है. कलाल बांगड़ी, चावरी और लांडा कसम, ये तीन तोहफे काफी फेमस है. कलाल बांगड़ी ये तोफ सबसे बड़ी है और इसका वजन 22 टन है और ये कहते हैं कि ये तोफ इंडिया की थर्ड बिगेस्ट तोफ है. मुरुड जंजीरा फोर्ट की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है और ये फोर्ट पे देखने लायक काफी सारी चीजें हैं. आप फोर्ट ठीक से एक्सप्लोर करने जाओगे तो कम से कम एक दिन लगेगा.
सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय सम ड्रोन शॉट्स, बट बिफोर दैट ये क्लिप देख लेना आना। सो गाइस अभी हम लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे थे इधर और ड्रोन अटक चुका है उधर। सो अभी अभी हम लोग को चढ़ के वो ड्रोन निकालना पड़ेगा। अरे कैसे उड़ा मेरे को समझे क्या? अरे हाँ रे कुछ अलग ही हो गया उसमें, ये पहली बार उल्टा टेढ़ा उड़े। कैमरा कितने मेगापिक्सल है उसका? 10 10।